एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब बहुत मॉर्निंग नहीं है, लेकिन मतलब शायद 11 बज रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली टाइम पता नहीं है कितना बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आज बेडशीट जो है वो चेंज कर रही हूँ, और जो आपको ये थोड़ा सा लाइटिंग ऐसे जलभुज दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली मैं अपने फ़ोन से जिससे शूट करती हूँ उसको मैं लॉक करना भूल गई थी। जो स्क्रीन लॉक हो जाता है तो फिर ये सब नहीं होता, तो मैं भूल गई थी। इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप लोगों को लगेगा लाइटिंग में। तो आज मैं ये गर्म वाली जो फूल वाला इनकी बोलते हैं ना बेडशीट, वो बिछा रही हूँ मैं। और ये बहुत गर्म होती है, इसको हम ओढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिछाती हूँ हमेशा। तो कॉटन की जो बेडशीट होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसके मुकाबले काफ़ी ठंडी होती है। तो मैं इसको आज इसको बिछा रही हूँ, उसको चेंज कर रही हूँ। आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं, और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह, किचन वगैरह सब क्लीन है। और यहाँ पर मैंने अपना बेडशीट है उसको चेंज करा है आज, क्योंकि कल आपको पता है इतना ठंडा और था। कल बहुत बारिश हुई है हमारे इधर, मुझे लगता है काफ़ी जगह पे बहुत बारिश हुई होगी। कल ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी और दिसंबर लौट कर वापस आ गया है। तो कल क्या होता है, कॉटन की जो बेडशीट होती है थोड़ा सा ठंडी होती है, और मेरे पास एक गर्म थी जो फुल एल एन की होती है, तो आज मैंने उसको बिछा दिया। वैसे मुझे चेंज करना ही था, तो आज मैंने ये गर्म वाली जो बेडशीट है उसको बिछा दिया है। और मैंने आज लाइनर लगाया है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं लाइनर लगाऊँ, और यहाँ पता नहीं क्यों अजीब सी हो रही है, तो आज मैंने लाइनर लगाया। और साथ में आज मैंने फ्रेंच चोटी करी है, जो कि हाफ़ करी है। तो पहले मैं बनाती थी ना, तो अभी बाल छोटे हो गए थे तो फ्रेंच चोटी ऐसे बन नहीं पा रही थी, लेकिन अभी मैंने कोशिश करी है तो थोड़ा सा बन गई है। और ये वाले बाल तो उसमें नहीं आ रहे थे, ऐसे निकल रहे थे ऐसे करके, अजीब से लग रहा था, तो मैंने इनको हटा ही दिया फिर। तो आज मेरा मन कर रहा था कि चलो थोड़ा सा बाल वगैरह कुछ चेंज करे जाए, लुक वही जुड़ा अजीब सा, अपने आप को भी देख देख के अजीब हो जाता है, तो वो है। और अभी मैंने कपड़े भिगो रखे हैं, कपड़े वॉश नहीं करे हैं। सिया की क्लास गया 11:30 बजे तक होती है, तो उसके बाद ही मेरा नहाना वगैरह होता है, तो कपड़े मैंने भिगो के रखते हैं गर्म पानी में। और अभी थोड़ी देर में गर्म पानी गीज़र में है, तो गर्म पानी से मैं उसको वॉश कर देती हूँ, रोज़ मेरा यही रहता है। तो बस अभी किचन में जा रही हूँ मैं, आज मैं मिक्स दाल बनाती हूँ या फिर अरहर मलका की दाल, कुछ ऐसी बना रही हूँ मैं। और धूप आज अच्छी बहुत निकली है, लेकिन बैठने का टाइम ही नहीं लगा है मुझे, क्योंकि सुबह से जब क्लासेज होती हैं तो इनके पीछे बैठे रहो, और फिर अब तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ अब जब हम खाना खाते हैं ना, या बीच बीच में चले जाते हैं बैठने के लिए। तो आज शुरू मैंने धूप में बिठाया, क्योंकि हल्का सा कोल्ड जैसा हो रहा है उनको, और मुझे भी कोल्ड जैसा होने लग गया है। कल बहुत ठंडा और था, बहुत ज़्यादा ही, इस वजह से। आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, तो मिक्स तड़का दाल भी इसको बोल सकते हैं। तो अरहर की दाल है इसमें, मलका है, जो मैंने आपको पंच दाल जो होती है ना एक बार मैंने बनाई थी, तो वही दाल है, थोड़ी सी पंच दाल बची हुई है। उसके साथ मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है ये मलका की दाल, थोड़ी सी ऐड कर दी है। और इसको वॉश करने के बाद मैं जितना भी मतलब मसाले भी होते हैं ना, जो धनिया हल्दी नमक ये सब मैं पहले ही बॉयल करते हुए इसमें डाल देती हूँ, और साथ में जो टमाटर होते हैं उनको भी मैं पेस्ट बना के इसमें डाल देती हूँ। मैं बाद में कभी भी नहीं करती हूँ, चाहे मैं तड़का दाल बना रही हूँ या सिंपल मैं घर में खाने वाली दाल भी बना रही हूँ ना, तो भी मैं पहले ही मतलब इसमें सब कुछ मसाले वगैरह डाल देती हूँ और इसको बॉईल कर देती हूँ। तो इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगती हैं इसको बॉईल करने में, क्योंकि इसमें चना दाल भी होती है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बॉईल होने में, तो मैं इसमें 3 से 4 सीटियाँ लगाती हूँ।
तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग देख रहे हो यहाँ पे टीन वगैरह मैंने चेयर पे हम लोगों ने करके रखी है, क्योंकि इससे पहले वाले दिन क्या बोलते हैं रात को बहुत बारिश हुई थी, मतलब पूरे दिन ही उस दिन बारिश थी, और इस वजह से क्योंकि यहाँ पे चूल्हा बना रखा है तो वो ख़राब हो सकता था, बह सकता था, तो हमने यहाँ पर दो चेयर्स लगाकर और उसके ऊपर टीन लगा के और फिर जो तिरपाल होता है वो लगा रखा था। तो यहाँ पर लेकिन क्या है कि अभी धूप आ चुकी है, बहुत अच्छी धूप आ गई है, तो जो हल्का फुल्का सा चूल्हा जो नीचे से गीला हुआ था वो सूख जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया ताकि इसमें हवा सी लग जाए, थोड़ा धूप से लग जाए, और यहाँ पे बार बार बंदर आके ना बहुत ज़्यादा इसमें उछल रहा था टीन में, तो इस वजह से मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, तो चूल्हा भी अच्छे से सूख जाएगा हमारा। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ तड़का दाल, मिक्स दाल जो होती है वो बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने अभी सरसों का तेल लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, साथ में थोड़ा सा हींग ऐड करा है, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें लहसुन जो है वो कट करके डाल रही हूँ। तो मैं कभी भी दाल छौंकते हुए प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ अपने जब मैं दाल बनाती हूँ, तो हल्का सा जब लहसुन पक गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड करा है थोड़ा सा, एक बार आप लोग ऐसे करके देखना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद जो दाल बॉयल करी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अगर थोड़ा सा गाढ़ी लगती है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था और दूसरी साइड मैंने इसको रख दिया है, तो वहाँ पर वो अच्छे से बॉईल हो रही है। और यहाँ पर मैं तड़का रेडी कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने घी लिया है, उसमें फिर से मैंने हींग डाला है, जीरा डाला है और ये सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है। हल्का सा इसको पकाएंगे और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि बहुत अच्छी लगती है जब हम तड़का मारते हैं किसी भी सब्जी दाल में, तो बहुत टेस्ट आता है। तो इस टाइम पर मैं तड़का मारूँगी इसमें, और बस दाल बॉईल हो गया है, इसमें जो मैंने तड़का बनाया है इसको इसमें ऐड कर देंगे, और कलर तो बहुत अच्छा आता है ये, साथ में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये आज का हमारा लंच है तड़का दाल, तो मैंने इसके साथ मतलब राइस जो है वो प्लेन बनाए हैं, ऐसे जीरा राइस भी बनाए हैं, और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, और अब देखिए कितना अच्छी लग रही है ना, तो देखने में भी अच्छी थी और खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी ये तड़का दाल। ये नॉर्मली मैं रोज़ अपने घर पे नहीं बनाती हूँ, कभी कभी ही मेरा मन कर जाता है तो मैं बना देती हूँ, तो जैसे कि आज मेरा मन करा तो मैंने बना दी तड़का दाल। और जब तक चावल बन रहे हैं तब तक यहाँ पर मैं आशी के बाल बना रही हूँ, तो सिया जब क्लास देती है मैं उसके तुरंत बाल बना देती हूँ, क्योंकि वो एकदम से उड़ जाती है, जैसे ही मैं उसको आवाज़ देती हूँ वो उड़ जाती है, और आशी का ऐसा है कि कभी तो ये उड़ जाती है कभी ये उड़ती ही नहीं है, तो फटाफट से क्लास एकदम से हो जाती है, होने लग जाती है, तो मैं फटाफट से ऊपर ऊपर कंघे मार देती हूँ। तो मम्मी ने इसके अभी एक दिन पहले ही बाल बनाए थे, दो चोटी करी थी, तो मैंने कहा दो चोटी ठीक है, इसमें ना इसके बाल भी नहीं उलझ रहे थे, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती है बाल बनाते हुए। अभी ये बिल्कुल शांत है क्योंकि इसके बाल बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, तेल अच्छे से लगा हुआ है सर में इस वजह से। चुकी हूँ रेडी, और कल मैंने ना दो गुंदी चुटिया बनाई थी ना, तब तो भी बनाई थी बेटा, दादी ने बनाई थी गुंदी चुटिया कल मेरी, तो मैंने सोचा कि रह देती हूँ रात तक, रह जाती है गुंदी चुटिया, तो सुबह मैंने खोली और फिर बना दी, इससे मेरे बाल बड़े हो जाएंगे। आपने कुछ कुछ वीडियो ऐसे देखे होंगे, जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे ना यहाँ तक बीच तक नहीं आते, यहाँ तक आती थी तभी मैं पीछे करती थी, अब देखो कितने वो हो गए। चलो, और मैंने ना सूट पहना हुआ है सूट, और ये सिया, चलो सिया खूब क्रीम लगा रही है अपने मुंह में, खूब क्रीम लगा रही है। अभी टाइम हो चुका है शाम का, और शाम को मेरे जो मतलब बर्तन होते हैं
चाय के वो मैंने वॉश कर दिए थे, और बच्चों को दूध देना था तो उससे पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैं काफ़ी 2-4 दिनों से सोच रही थी नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि जितनी बार मैं ड्रेसिंग टेबल खोलती हूँ तो मुझे नेल पेंट दिखती है और अपने हाथ भी दिखते हैं जिनमें नेल पेंट कभी नहीं होती है। पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं जाता है नेल पेंट में कभी भी। तो आज मैंने सोचा था मैं लगाऊंगी, तो शाम को मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। और कई बार मैंने आपको बताया भी ना, मैं ऐसी चीज़ें बच्चों से छुपा के रखती हूँ, लेकिन मैंने इसको अलमारी में भी रखा, हर जगह रखा, लेकिन ये हर जगह ढूंढ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इनसे ये चीज़ें छुपा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ढूंढ लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर नेल पेंट लगा रही हूँ, सामने सिया बैठी है, वो मुझे वहाँ से ये बोल रही है मम्मी मेरे भी लगा दो, मेरे भी लगा दो। तो उसके मैंने बाद में लगाई है थोड़ी देर में, और फिर उनको क्या होता है मेरे हाथ में भी लगा दो, मेरे पैरों पर भी लगा दो, ऐसा जाता है। तो फिर मैं ना वो क्या करते हैं कि ढूंढ के मैं मना करती हूँ तो वो ढूंढ के लेकर आए जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ अब छुपा कर क्या लगाओ इनसे, इनके सामने ही लगा देते हैं नेल पेंट। तो इसके बाद फिर मैंने सिया के लगाई। शाम के 6 बज गए हैं, और जैसा कि अभी आपने देखा मैंने नेल पेंट लगाई है, तो ये कुछ ऑरेंज से कलर की है, इस पर इतना आ नहीं रहा है, तो ये लाइट कलर है, बहुत डार्क कलर नहीं है, और सीधे हाथ पे तो लगती ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से मैंने कोशिश करी कि लगा दूँ। और मेरे नेल्स बहुत बड़े नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे हैं, क्योंकि पहले तो शौक होता था कि चलो नेल्स बढ़ाते हैं, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल शौक नहीं है नेल्स का, ना मेरे पैर के, और बढ़ते भी नहीं है, शौक तो क्या है लेकिन बढ़ते भी नहीं है। तो बस आज नेल पेंट लगाई है, बहुत दिनों बाद, पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे, टाइम तो मिलता है लेकिन ध्यान नहीं जाता है कि नेल पेंट, आज मेरा मन कर रहा था, अभी मैं ड्रॉअर ऐसी खोल रही थी तो मैं दिन में सोचा कि मैं लगाऊंगी, तो अभी खाली बैठी थी, सारे बर्तन वगैरह वॉश कर ही दिए थे चाय वगैरह के, तो मैं तो खाली बैठ के चलो आज नेल पेंट ही लगाता है। तो पहले मैंने ग्लिटर वाली सोची थी, ग्लिटर वाली लगाऊंगी, लेकिन वो ग्लिटर अच्छा नहीं लग रहा था इसके ऊपर, सिंपल ही अच्छी लग रही थी। और अभी 6 बज गए हैं, तो आशीर को मैं दूध दे रही हूँ गर्म करके, तो इस टाइम पर ये इससे ज़्यादा देर में भी कभी कभी पीते, लेकिन ज़्यादा देर में देना बेकार है, क्योंकि फिर डिनर का टाइम हो जाता है इस वजह से। तो 6 बजे के टाइम अभी मैं इनको दूध दे देती हूँ, तो फिर खाने का टाइम रहता है, तो ये मतलब ठीक से खा लेते हैं, अदरवाइज़ क्या होता है इनका पेट भरा रहता है, मम्मी पेट भरा हुआ है कुछ खाते नहीं है, तो इनको दूध देती हूँ। और मम्मी वॉक पर गई है, मम्मी मुझे बोलती कि चल रही है तो चल रही, लेकिन आज पता नहीं कि मुझे ठंडा बहुत लग रहा है, एक तो कोल्ड जैसा लग रहा है, और मौसम तो ठंडा है इसलिए भी ठंडा लग रहा होगा। तो फिर मैं नहीं गई हूँ, मैं तो मम्मी आप चले जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। और अभी डिनर में देखते हैं क्या बनाते हैं, शायद मटर हैं, आधे मटर छिले हुए आधे मम्मी ने ले रखे हैं, तो मटर बनाएंगे शायद हम लोग, हाँ मटर है तो मटर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आशा और सिया को दूंगी दूध, तो सिया पहले बहुत नखरे करती थी दूध पीने के लिए, नखरे तो वो अभी भी करती है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि उसको दूध पिलाना है, हर माँ का फ़र्ज़ है कि चलो बच्चे दूध पिएँ। तो आशी तो फिर भी थोड़ा सा वो करके पी लेती है, लेकिन सिया बहुत वो करती है, और मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं कर पाती हूँ कभी भी, क्योंकि वो ना फिर निकाल भी देती है, वो कुछ इस तरह का उसका नेचर है कि वो फिर क्योंकि पचा नहीं पाती है, उसको दूध शुरू से ही सूट नहीं करता है इतना। तो आशी को मैं हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, क्योंकि उसको हल्का सा कोल्ड हो रहा है, तो वो हल्दी वाला दूध लेती है, वो मैंने उसको बचपन से ही आदत डाली हुई है हल्दी वाले दूध की, तो मैं उसको रेगुलरली नहीं देती हूँ, कभी कभी मेरा हो जाता है मूड तो मैं उसको हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, पी लेती है वो। तो उनको इन दोनों ने दूध पी चुके थे ये दोनों, और यहाँ पे मैं सूप पी रही हूँ, और अभी सिया को मैं पढ़ा भी रही हूँ, पढ़ाना मीन्स कि थोड़ा सा रीडिंग करवा रही हूँ, क्योंकि जब भी इनकी ऑनलाइन क्लास होती है तो इनकी इंग्लिश और हिंदी की रीडिंग ज़रूर होती है, और सबसे पहले सिया का नाम ही मैम लेती है, क्योंकि इसका नाम ए से आता है अदिश्री स्कूल में, तो ए नाम से सबसे ऊपर पहले इसका ही नाम आता है, तो मैम सीधा बोलती है श्री रीडिंग करो, तो इसलिए मैं उसको होता है कि कभी कभी जब भी मुझे टाइम लगता है तो हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग करवाती हूँ, तो वही मैं इसको दिखा रही हूँ। तो ये मिला के पढ़ने लग गई है अब, हिंदी और इंग्लिश भी थोड़ा इसको पढ़ आ गया है, थोड़ा पढ़ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती है लेकिन मिला के थोड़ा बहुत पढ़ लेती है ये। तो उसको पढ़ाते अभी हो चुकी है सुबह, और ये नेक्स्ट डे का है, मेरा हल्का सा कोल्ड था इस वजह से मन नहीं कर रहा था कंटिन्यू व्लॉग करने का, तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ काढ़ा, तो क्योंकि मुझे ज़्यादा ही ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा कोल्ड एकदम से ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने कहा चलो पहले एक काढ़ा बना के पी लेते हैं, क्या था थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो इसमें हल्का सा 1-2 बूंदे मैंने नींबू की डाली है, थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए इस वजह से। तो आधा काढ़ा आशी और को भी दिया था लेकिन उन्होंने पिया ही नहीं, तो सारा का सारा फिर मैंने ही पिया ये काढ़ा। अभी टाइम हो गया है 12:30 बज गए हैं, और कल मैं अपना व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल मतलब टाइम भी नहीं लगा, और साथ में थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा तकलीफ जैसी होती है, सबको पता है कोल्ड में अजीब सा हो जाता ना, तो वो है, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है लेकिन फिर भी है हल्का फुल्का कोल्ड होने लग गया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा काढ़ा बनाया है और थोड़ा सा आशी और सिया को भी दिया है, क्योंकि मौसम अजीब सा हुआ ना बीच में, शायद उसकी वजह से ठंडा लग गया, तो हल्का सा जुकाम जैसा लग रहा है मुझे, और फिर गले में अजीब सा नहीं होता वो भी हो रहा है, तो मैंने काढ़ा बनाया है। और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं चाह रही थी अपने व्लॉग का आज एंड मैं मम्मी के साथ करूँ, क्योंकि मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं, एक है भानु
भट्ट है और एक है अस्मिता सिन्हा है। तो जो भानु भट्ट है उनका 4 तारीख को बर्थडे था, मैं विश करना भूल गई थी, तो सॉरी। तो हैप्पी बर्थडे भानु जी, आपको मम्मी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद आपको और जन्मदिन की शुभकामनाएं। और साथ में अस्मिता सिन्हा जी हैं, उन्होंने एक बच्ची के लिए बोला था कि उनका फर्स्ट बर्थडे है और उनका नाम है मिस्टी। तो मिस्टी बेटा, आपको हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू, और मम्मी की तरफ से भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद। आप बहुत, आपकी बहुत लंबी उम्र हो और आपकी खुशहाल ज़िंदगी हो, ये मम्मी ज़रूर बोलना चाहेंगी अगर यहाँ पर होती तो। लेकिन मम्मी को कहीं जाना पड़ा है, इस वजह से मम्मी व्लॉग में नहीं है। तो आप दोनों को विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। और मिष्टी का बर्थडे 7 को है, तो ये व्लॉग शायद मेरा 7 या फिर 8 तारीख को जाएगा, इसलिए मैंने कहा मैं आज बोल देती हूँ, ठीक है। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आप सबको पसंद आए तो आप सबको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, बाय।